मैं कोमल, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। फिर से एक नए वीडियो के साथ, एक न्यू क्रिएटिविटी के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आज का DIY बहुत ही इजी है और बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला है। आप इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हो, कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी आपको। ये मैं एक जैम जार से बना रही हूँ। हमारे किचन में जैम जार, पिकल जार, सेजवान चटनी जार ऐसे आपको बहुत ही मिल जाते हैं, जिसे कभी कभी हम यूज़ करते हैं और कभी कभी फेंक दिया करते हैं। आप देख सकते हो ये जैम जार कितना बोरिंग लग रहा है, तो इसे एक नया मेकओवर देने के लिए आज का DIY मैं लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का DIY। तो सबसे पहला स्टेप है, आप कोई भी जार ले रहे हो, या जैम जार हो, पिकल जार हो, कोई भी जार हो, उसे सबसे पहले हम आधे घंटे के लिए उसे पानी में डालकर छोड़ देंगे, ताकि उसका ये ऊपर का पेपर अच्छे से फूल जाए और हमें उसे ईजिली रिमूव कर सके। तो उसके बाद इसे आप स्क्रबर, कोई भी स्क्रबर लेके इसे स्क्रब कर दोगे तो ये ईजिली रिमूव हो जाएगा। तो आप ये रिमूव करके अच्छे से साफ कर लें। मैंने अच्छे से इसे वॉश कर लिया, इसके ऊपर थोड़ा गम था जिससे वो पेपर चिपका हुआ था, मैंने वो भी रिमूव कर लिया। अब हम 3 ईयरबड्स ले रहे हैं, ये मैं इसे पेंट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ। आगे मैं बताऊँगी मैं ये क्यों यूज़ कर रही हूँ, मैं सिंपल पेंट ब्रश क्यों नहीं यूज़ कर रही हूँ, उसके लिए आप आगे का वीडियो देखें। मैं ये जार पेंट करने के लिए ऑयल पेंट ले रही हूँ, जो आपको कोई भी हार्डवेयर शॉप पे ईजिली मिल जाता है। ये 25 रुपीज़ पर बॉटल मिलता है। आप कोई भी कलर यूज़ करते हो, आपकी इच्छा से आप यूज़ करो, कौन सा कलर पसंद है वो टोटली आप पे डिपेंड करता है। मुझे वाइब्रेंट कलर्स पसंद है, इसलिए मैं कुछ वाइब्रेंट कलर्स यूज़ कर रही हूँ। और क्योंकि हम लोग लॉकडाउन वगैरह में रह रहे हैं, तो हार्डवेयर शॉप भी ओपन नहीं है, तो मेरे पास जो पहले से ही पड़े हुए थे कलर्स, मैं उसका यूज़ कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे 3 कलर लिया है, येलो, ग्रीन एंड रेड। ये 3 कलर ही मैं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास और कोई कलर है नहीं अभी, और मैं परचेज भी नहीं कर सकती। ऑयल पेंट मैं ले रही हूँ क्योंकि ये काफ़ी ड्यूरेबल होता है, इसे वॉश करना ईजी है, ये धुलता नहीं ईजली, और ये लॉन्ग लास्टिंग होता है। तो चले शुरू करते हैं। मैंने इसलिए 3 ईयरबड्स लिए थे क्योंकि ये आप यूज़ करो और फेंक दो, क्योंकि अगर आप पेंट ब्रश यूज़ करोगे तो इसे वॉश करना टफ हो जाएगा। ऑयल पेंट को हम ईजिली वॉश नहीं कर सकते, अगर हम पेंटिंग ब्रश यूज़ करेंगे तो वो वेस्ट हो जाएगा, तो उससे अच्छा है हम ईयरबड्स यूज़ करें और सिंपली फेंक दें। तो चले स्टार्ट करते हैं पेंटिंग। आज का DIY बहुत ही ईजी है, जैसा कि मैंने पहले भी बोला, आपको सिंपली कलर्स के साथ खेलना होगा। आप इसे डॉट 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 करके आपके पास जितने कलर्स हैं आप यूज़ कर सकते हो, काफ़ी खूबसूरत दिखेगा। मेरे पास क्योंकि अभी 3 ही कलर है और मैं परचेज नहीं कर सकती, हार्डवेयर शॉप सभी क्लोज हैं, तो इसलिए मैं मात्र 3 कलर्स ही यूज़ कर पा रही हूँ। अगर आपके पास और भी ज़्यादा कलर्स हैं आप उसे यूज़ कर सकते हो, काफ़ी खूबसूरत दिखेगा। मैं ऑयल पेंट इसलिए सजेस्ट कर रही हूँ क्योंकि अगर ये आर्कली कलर यूज़ करोगे आप, वो सरफेस पे नहीं रहने वाला ज़्यादा दिन। अगर आप उसे नेल से भी सिंपली ट्राई करोगे रिमूव करने का, वो ईजली रिमूव हो जाता है, लेकिन ये ऑयल पेंट आपको कम से कम जार जब तक रहेगा तब तक ये कलर्स रहने वाले हैं, ये ज़रा भी नहीं हटते और फेड भी बिल्कुल नहीं होते। आप इस जार को आराम से धो सकते हो, ये पेंट बिल्कुल धुलने वाला नहीं। आप डिटर्जेंट यूज़ करो, सॉप सॉल्यूशन यूज़ करो, ये पेंट बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहने वाला है, ये लॉन्ग लास्टिंग होने वाला है, इसलिए ये हमारे किचन के लिए सूटेबल है। अगर हम कोई भी DIY बनाते हैं और वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता हमारे किचन के लिए, तो हमारे एफर्ट्स वेस्ट हो जाते हैं। इसलिए हमें अपने किचन के लिए ऐसा DIY चाहिए होता है जिसे हम इजिली क्लीन कर सकें और वो लॉन्ग लास्टिंग हो, इसलिए मैंने इसमें ऑयल पेंट को यूज़ किया है। आप अगर कलर कर रहे हो तो आप जैसा देख रहे हो, इसमें बस मैंने पहले भी कहा, बस कलर्स के साथ खेलना है। एक जगह अगर ग्रीन डाल दिया, दूसरी जगह येलो डाल दो, बहुत ही सिंपल है।
घर के छोटे बच्चे भी इसे कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ये क्योंकि ऑयल पेंट है, इसे हैंडल करना थोड़ा सा टफ होता है। टफ इन द सेंस, ये अगर हाथ में लग गया तो थोड़ा वॉश करने के लिए मुश्किल होती है। बट अगर आप ईयरबड्स यूज़ कर रहे हो और आप पेंट कर रहे हो, तो सिंपली इसे एक जगह पेपर पर रख दो और कलर लगाकर उसे फैलाते जाओ। इसे इतना मूवमेंट करने का कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे वीडियो बनाना था इसलिए ये मुझे करना पड़ा। और हाँ, पेंट करने के बाद इसे बिल्कुल एक दिन के लिए इसे छोड़ दें, कुछ भी ना करें, टच तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये पेंट मिनिमम एक दिन लग जाता है आपको सूखने के लिए। अगर आप उसे टच करोगे आपके हाथ में भी लगेंगे, गंदे होंगे और वो फिनिशिंग भी थोड़ा ख़राब हो सकता है। इसलिए पेंट होने के बाद सिंपली एक कॉर्नर ले जहाँ पे कोई एक्टिविटी ना हो, वहाँ पे रख के उसे छोड़ दें और अगले दिन इसे थोड़ा सा सॉफ्ट सॉल्यूशन और डिटर्जेंट से वॉश करके आप इसे यूज कर सकती हैं। मैंने इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया है। मैंने कुछ जार्स पहले ही बना के रखे थे जो बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं। ये काफ़ी वाइब्रेंट एंड बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं, बिल्कुल कलरफुल। मैंने ये 2 दिन पहले बनाई थी और ये बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हो एक बोरिंग जार कितनी खूबसूरत जार में बदल सकती है। आप भी ट्राई करो, ये जार हमारे किचन में ज़रूर मिलते हैं। बच्चे जैम खाते हैं, हम पिकल खाते हैं, सभी जार जनरली इस साइज़ के होते हैं, इसी शेप के होते हैं। आप उसे फेंको मत, अगर आप यूज़ कर भी रहे हो तो ये मॉडिफाई कर दो उसे, बहुत ही खूबसूरत लगने वाला है, बहुत ही वाइब्रेंट लुक दिखने वाला है। मैंने इसे किचन में रख दिया है और मैं इस जार को टी, सुगर एंड सॉल्ट के लिए यूज़ कर रही हूँ। ये काफ़ी कलरफुल एंड खूबसूरत दिखता है, जैसा कि आप देख रहे हो। आप यहाँ पे स्पून का DIY भी देख रहे हो जो मैंने लास्ट वीडियो में किया था। अगर आपको देखनी है, मैं लिंक शेयर कर रही हूँ, आप देखो और ट्राई ज़रूर करो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।